बच्चों, ये फिफ्थ वाला जो सम है वो बेसिकली मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें मीन भी फाइंड आउट करना है और वेरियंस भी। तो बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को कैसे क्या करना है। बच्चा एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूँ जो आपको ध्यान से समझना है। ये जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना बच्चा, वो आपको समझना है। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप बोलोगे सर ऐसे लिखते हैं आप, ये रहा थोड़ा कलर सिलेक्ट कर देते पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम करते एम सी एक्स इंटू एन सी आर माइनस एक्स। क्लियर है बच्चा? और यहाँ पे हम जो लेंगे, यहाँ पे आप बोलोगे एन प्लस एन अपॉन सी आर, अपॉन नहीं बोलेंगे सी आर लिखेंगे, एन प्लस एन मतलब ऊपर के दो होते वो प्लस करेंगे। आप बोलोगे सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चा टेंशन मत करो, सम सॉल्व करेंगे तो एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं, देर आर 40 स्क्रू इन द पैकेट आउट ऑफ विच 5 वेर डिफेक्टिव। तो बच्चा यहाँ पे जो समझना है 40 टोटल स्क्रू है, उसमें से बोल रहे हैं कि 5 आर डिफेक्टिव। तो ये डिफेक्टिव जो है वो 5 है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब वो हुआ 35 नॉन डिफेक्टिव है। कैसे है? नॉन डिफेक्टिव। क्लियर है बच्चा? आगे पढ़ना शुरू करते हैं। इफ 10 स्क्रू आर टेकन रैंडम फ्रॉम द पैकेट, मतलब हम टोटल कितने स्क्रू लेने वाले, तो आप बोलोगे सर 10 टोटल 10 लेने वाले उन्होंने बोला हुआ है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम डिफेक्टिव, एक भी स्क्रू डिफेक्टिव नहीं निकलना चाहिए। अभी बच्चा जिसका बोला है जो डिफेक्टिव ना हो, उसको जो भी यहाँ पे पूछा हुआ है उसको पहले लिखा जाता है, क्योंकि हमें मीन और वो बोलो तो वेरियंस भी ढूंढना है, तो वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर पी ऑफ एक्स, आप बोलोगे सर कैसे स्टार्ट करोगे, तो बहुत ही सिंपल है बच्चा। तो जो डिफेक्टिव ना हो वो 5c0, इसका मतलब जो 10 स्क्रू होंगे वो क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर वो 35c क्या होगा, 10 और 40c10। क्लियर है बच्चा? तो ये आपको क्लियर करना है, और यहां जैसे ये पॉइंट होता है उसके बाद आपको करना है। तो यहां पे होगा 5c0, तो ये 1 हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करोगे 35c10 एंड 40c10 को आप सॉल्व करो बच्चा, तो आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर जो आंसर आएगा वो 0.21 2166 2166 एंड 6। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट तो कंप्लीट हो गया। अभी हमें मीन लिखना है, तो मीन की फॉर्मूला पहले तो आपको लिखनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर मीन की जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है, क्या है बच्चा? तो आप बोलोगे m इंटू आर डिवाइड बाय m प्लस n। अभी समझना बच्चा, यहाँ पे जो समझना वही है, m जो है यहाँ पे पहले में m क्या था, तो आप बोलोगे 5 है। आप बोलोगे सर यहाँ से लिया था आपने 5, ये समझ में आया। r जो बोलोगे वो आप बोलोगे सर टोटल कितने लिए थे, तो 10 लेंगे। n जो है वो आप बोलोगे सर कितना होगा, तो आपके हिसाब से बच्चा यहाँ होगा 35। बच्चा ये ध्यान में बस एक ही रखना है, जो बोला होगा कंडीशन में डिफेक्टिव नहीं है या जो भी है उसको एम लेना है, बाकी तो बस नॉर्मल कैलकुलेशन करते जाना है। अभी आप बोलोगे सर इसमें तो सिंपल हो गया, एम कितना है तो 5 है, आर 10 है, उसमें लिखोगे एम प्लस एन तो 5 प्लस 35, तो 50 डिवाइड बाय 40 करोगे, तो आप बोलोगे 1.25 और हमारा आंसर आ जाएगा। अभी आप बोलोगे सर हमें तो वेरियंस भी बोला गया है, तो हम लिखेंगे वेरियंस। तो आप बोलोगे सर वेरियंस कैसे होगा, तो वेरियंस की फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है बच्चा, m प्लस n प्लस m इंटू n इंटू r ब्रैकेट में m प्लस n माइनस r, जैसे ये होता है इसके नीचे लिखेंगे m प्लस n होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n माइनस 1। तभी आप बोलोगे सर फॉर्मूला यहाँ लिखने का, बस अभी वैल्यू पुट करो और आंसर आपके सामने होगा। तो आप बोलोगे सर सिंपल, पहले स्टार्ट करते हैं, m जो है हमारे में है ही वो 5 है, n जो है वो आप बोलोगे सर 35 है, और यहाँ पे 10 है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है बच्चा।
m जो है वो बोलोगे आप 35 प्लस 5 माइनस r 10 है, तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद m प्लस n, तो आप बोलोगे 35 प्लस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 35 प्लस 5 माइनस 1। तो अभी आप बोलोगे सर वैल्यू पुट करते हैं, जो किया उसको सॉल्व करते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप सारा करवाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो करना है 5 × 35 × 10, तो आप सॉल्व करोगे तो बच्चा कितना होगा 1750। यहाँ पे करोगे तो 40 में से 10 जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 10 30, मतलब इसमें आप बोलोगे सर ये जो सॉल्व करोगे तो 40 का स्क्वायर। बच्चा आप बोलोगे सर आप साइड में क्यों लिख रहे हो बच्चा, क्योंकि कैलकुलेशन इतना जल्दी हो जाए। यहाँ हो जाएगा 1600 और यहाँ पे होगा 39। मल्टीप्लाई करने का वक्त आ गया है, तो 1750 × 30, तो आप बोलोगे सर थोड़ा ज्यादा आ रहा है 52500, और यहाँ पे 39 × 1600, तो आप बोलोगे सर ये होगा 62400। सॉल्व करोगे बच्चा तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये जो करेंगे 52500 अपॉन 62400 को डिवाइड करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 0.8413, और यहाँ पे 0.84 ही दिया है बच्चा, तो हम वही फॉलो करेंगे। शांति से फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लो बच्चा, ये बहुत ही ईजी है, आपको खाली ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चा? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो इसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो बच्चा अभी इसके बाद वाला पॉइंट है, तो आप बोलोगे सर अब आगे जाते हैं। बच्चा लास्ट ये मतलब 6 पॉइंट है, हम 7 भी लेने वाले यही लेक्चर में, उसके बाद थर्ड लेक्चर में 8 9 10 11 जो खत्म कर देंगे। तो बच्चा शुरू करते हैं। देर आर 50 बल्ब इन अ लॉट एंड 10% ऑफ देम आर डिफेक्टिव बल्ब, 5 बल्ब आर टेकन वन आफ्टर अनदर फ्रॉम इट। तो बच्चा सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे 50 बल्ब है, उसमें से 10% ऑफ देम आर डिफेक्टिव बल्ब, तो जब इसमें बोला हुआ है तो वो लिखना शुरू करते हैं कि सर टोटल 50 है, 10 डिफेक्टिव है, 10% मतलब 50 का 10% मतलब आप बोलोगे सर 5 होगा जो डिफेक्टिव है। क्या है बच्चा? डिफेक्टिव। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 45 नॉन डिफेक्टिव बल्ब है। यहां तक जैसे होते ही उसके बाद बोलोगे फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट वन नन ऑफ देम बल्ब आर डिफेक्टिव, नन ऑफ देम बल्ब आर डिफेक्टिव, एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल अप्लाई करना है, तो चलो बच्चा वही करना है। तो एक भी डिफेक्टिव ना हो इसका मतलब आप बोलोगे सर 5C0, और आप बोलोगे सर इसका मतलब 45C5 हो जाएगा। सॉल्व करोगे 50C5, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बड़ी अमाउंट आएगी। तो बच्चा आपको ये तो सॉल्व करना क्लियर ही है, 12,21,759। बच्चा ये वीडियो मैंने पहले स्टार्टिंग में ही करवाया था, तो आपको वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कन्फ्यूजन आने के पूरे चांस है। तो आप बोलोगे सर 21,18,760 करोगे सॉल्व तो 0.58 आ जाएगा। मैंने थोड़ा सॉल्व करके रखा है ये सब में, क्योंकि वो बड़े कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम वीडियो में आपका कम जाए, वो आपका फायदा होगा। इसके बाद दिया है एट द मोस्ट 2 बल्ब्स आर डिफेक्टिव देम, तो इसमें बोलेंगे सर इसमें से 2 बल्ब कैसे होंगे, एट द मोस्ट 2, बस 2, एट ज्यादा से ज्यादा 2 ही बल्ब डिफेक्टिव होंगे। तो आप बोलोगे सर ऐसा भी हो सकता है 2 होंगे, 1 होंगे या 0 होंगे, और ये डिफेक्टिव है, तो ये आप बोलोगे सर ये डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब है ये भी डिफेक्टिव, ये भी डिफेक्टिव, ये भी डिफेक्टिव। इसके बाद आप बोलोगे सर इसका मतलब ये डिफेक्टिव है, तो बाकी के 3, यहाँ पे टोटल हमें 5 लेने हैं बच्चा, कितने लेने, 5 बल्ब लेने हैं, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा। सेम वे आप बोलोगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे आप बोलोगे 5, जैसे ये होता है तो आप बोलोगे सर ये नॉन डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव। बच्चा मैं प्रॉपर नहीं लिख रहा आपको, वो नॉन डिफेक्टिव पूरा लिखना पड़ेगा, मेरे में थोड़ी जगह नहीं है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये पहला ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है, या कोई भी ऑप्शन हो सकता है।
तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो पहले ऑप्शन के हिसाब से लिखेंगे तो आप बोलोगे सर नॉन डिफेक्टिव जो है वो 45C3, आप बोलोगे सर इनटू, आप बोलोगे सर 5C2 और अपॉन में लिख देंगे कितना 50C5। और है तो मैंने सिखाया था, और होता है तो बीच में प्लस की साइन, सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ 45C4 इनटू आप बोलोगे 5C1 और लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ 50C5, प्लस की साइन आप ब्रैकेट लगा दोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 45, आप बोलोगे सर यहाँ पे कितने लेने हैं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 लेना है, 45C5 इनटू 5C0 और ये सॉल्व करोगे तो 50C5। बच्चों ये सॉल्व करना होगा आपको, मैंने तो ये रखा हुआ है तो 1 लाख, इसमें तो कुछ ज़्यादा आंसर आ रहा है तो ये ऊपर वाला ही आ रहा है 1,21,759, तो वो यहाँ लिखेंगे अपॉन में, तो आपको क्लियर ही है, मैं हर एक में नहीं लिख रहा, यहाँ 50C5 लिख रहा हूँ, बाकी तो आपको लिखना है तो यही अमाउंट लिखनी है। सेम वे आप दूसरे में बोलोगे 50C4 वाले में तो उसमें हो रहा है 74 लाख, अब बोलोगे 74,49,975 और अपॉन में 50C5, अब बोलोगे सर प्लस की साइन रखोगे यहाँ और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1,41,900 और अपॉन में 40C5। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये सबका टोटल करके फाइनल आंसर लिख देना है 0.9952। ये होते ही आप बोलोगे सर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5th-6th का। अभी हम 7th की ओर आगे बढ़ेंगे, बच्चा शांति से ये लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं 7th नंबर का क्वेश्चन जिसमें दिया क्या है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। 3 cards आर ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 cards, मतलब बोला है कि 52 cards की एक पैर है, मतलब पूरा पैक है, उसमें से 3 cards हमें लेना है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑल कार्ड्स आर स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फल्लई जिसको बोलते हैं वो होने चाहिए। तो आगे चलते हैं, ऑन ऑल कार्ड्स आर एस, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है कि टोटल 4 types के अलग अलग हमारे होते हैं, उसमें से स्प्रेड के 13 pairs होते हैं, क्लब के 13, हार्ट के 13, ऐसे होता है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि सारे स्प्रेड के हो तो 13C3 और 52C3, सॉल्व करोगे बच्चा तो ये होगा 286 डिवाइड बाय आप बोलोगे 22,100, आप सॉल्व करोगे तो 0.012 हो जाएगा। बच्चा आपको ऊपर हेडिंग लगाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड्स आर स्प्रेड, और वो गलती नहीं करनी है, वो भूलना भी नहीं है। सेकंड, ऑल आर एज, सारे एज होंगे तो आप बोलोगे 4 होंगे टोटल, इसमें से 3 सिलेक्ट करेंगे तो 52C3, तो आप बोलोगे सर इसमें जो होगा 4 और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 22,100 और यहाँ करके फाइनल आंसर आ जाएगा 0.001। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म हुआ, लेक्चर भी हम खत्म करेंगे। इसके बाद 4 sums करेंगे 8, 9, 10, 11, वो आप अच्छी तरह कर लेंगे, हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है।